कौन जो है वो सबसे अच्छी जरा पेंटिंग बना रहा था? वो जब वो फ्रीज में आई है उसके हाथ में रियाल का नोट है, फिल्म लेना है। फिल्म देखते हैं? फिल्म ले रहा हूं मैं तो, मुझे ये 70 रियाल इसकी प्राइस है। सो जितना इन्होंने प्रोफेशनल काम किया तो इनसे पूछना तो बनता है कि भाई कितना टाइम हो जो है रबर स्टैंप की मदद से इसको क्रिएट किया गया है। पब्लिश ट्रांसपोर्ट विजुअल आर्ट्स, अब जिसको जो चीज ज्यादा पसंद है ना, हेरिटेज फिल्म अदर्स पेंटिंग लवर्स हैं वो सब हाजिर हो जाए। और बाकायदा प्रोजेक्टर के ऊपर यहाँ पे चलाया हुआ है। आप ये देखें जी, मैंने भी अपना हिस्सा यहाँ पे मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर मकीने मदीना। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तो इस टाइम मैं मदीना में मौजूद हूं एक फेस्टिवल में, और वो है फेस्टिवल का नाम है मदीना आर्ट्स फेस्टिवल। मेरे पीछे आप जो है ना एक वॉल देख रहे हैं जिसके ऊपर पूरा जो है वो पेंटिंग की हुई है, और पेंटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से पूरी वॉल बनाई हुई है। एंड तक देख सकते हैं आप इस तरफ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो पेंटिंग लवर्स हैं वो सब हाजिर हो जाएं और मकीने मदीना चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अंदर चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। और इस टाइम जो है वो मैं अंदर पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। ये सामने देखें यहाँ पर वेलकम टू मिस्क आर्ट वीकेंड लिखा हुआ है, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है और इस तरफ हमने आगे चलते जाना है, और यहाँ पे जो जो कुछ है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिए। मेरे सामने इस टाइम दी आर्ट लाइब्रेरी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे आर्ट से जो लव रखते हैं उनके लिए यहाँ पर ये देखें बुक्स, और ये सामने कलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़ी सारी लंबी लाइन लगी हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है जिसको देखने के लिए इन लोगों ने लाइन लगाई हुई है, तो हम भी लगते हैं लाइन में। मैं यहाँ पे अंदर आ गया हूँ जहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखें जी यहाँ पे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मैं इनको ज़रा आपको करीब से दिखाता हूँ। अभी जो बाहर की जानी पेंटिंग्स लगी हुई थी इनको बकायदा प्रोजेक्टर के ऊपर यहाँ पे चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको बड़ा सारे करके पूरी दीवारों पर ये पेंटिंग ही नज़र आ रही है, और ये मेरे चेहरे पर भी आपको यही लाइट देखने को मिली। ये दूसरी पेंटिंग आ गई घोड़े वाली जो मैं आपको कह रहा था। तो ये देखें जी अंदर से मैं जो अभी आपने मंजर देखे हैं वो देख के बाहर आ गया हूँ। बहुत अच्छे लग रहे थे प्रोजेक्टर के ऊपर, वही पेंटिंग्स बड़ी बड़ी चलती हुई बड़ी मज़े की लग रही थी। तो चलें आगे दिखाते हैं आगे का सीन क्या है, मेरे साथ रहिएगा। ये जो स्टिकर्स यहाँ लगा रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमारे साथ उमेर भाई मौजूद हैं, वो इसके बारे में बताएंगे बेसिकली ये चीज़ है क्या। उमेर भाई बताइए ये क्या है? स्टिकर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर लिख के लगाया हुआ है कि म्यूज़ियम के हैं, लाइब्रेरीज के हैं, फैशन के हैं, पब्लिश ट्रांसपोर्ट विजुअल आर्ट्स। अब जिसको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है ना, हेरिटेज फिल्म अदर्स, वो वहाँ के स्टिकर लगाएगा, निकालेगा और यहाँ लगा देगा, और यहाँ फिर पब्लिक देख देगी कि ज़्यादातर लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। अब इतने डिफरेंट कलर्स हैं, कैसे चूज़ करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? आप जब पीछे से देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा कलर इफेक्ट नज़र आएगा कि ये कलर सबसे ज़्यादा है। और नासिर भाई अब आप बताएं आपको कौन सा पसंद आ रहा है कलर? यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, मुझे म्यूज़ियम, क्योंकि मैं म्यूज़ियम के टूर करता रहता हूँ वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ, तो मैं म्यूज़ियम चूज़ करूँ। म्यूज़ियम में तो फिर ये येलो है, आप येलो तो चलें येलो लेते हैं। मैं तो आई थिंक मुझे तो फिल्म लेना है। फिल्म देखते हैं? फिल्म ले रहा हूं, मैं तो मुझे ये ठीक हो गया। ये देखें जी मुझे ये म्यूज़ियम, मैं तो फिल्म लूँगा। ये लिया मैंने विचुअल आर्ट लूँगा। ओके सो ये देखें जी मैंने भी अपना हिस्सा यहाँ पे मिला दिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी और पेंटिंग्स भी मौजूद होंगी, लेकिन वो पेंटिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की है, जो मुझे नज़ारा सबसे ज़्यादा भाया है, वो मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं गुंबद खजरा का हसीन तरीन व्यू। माशाल्लाह से ये जो है रबड़ स्टैम्प की मदद से इसको क्रिएट किया गया है इस पूरी पेंटिंग को, और इंतहाई खूबसूरत। आप चेक करें माशाल्लाह, देख के जो है ना दिल खुश हो गया है। नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की
रौनक ज़ुल्फ़ों से। बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चा होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे बच्चों की तरह पेंटिंग कर रहा होता। ये हमारा काम नहीं, इसलिए हम बाहर चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। है नूरे सहर चेहरे से तेरे। और जैसे हम यहाँ पे इंटर हुए, अरे माशाल्लाह, सबसे पहले गुंबद खजरा खूबसूरत व्यू देखने को मिला है। आगे दिखाते हैं, ये अल मदीना अल मुनव्वरा। अच्छा जी, ये आर्ट वर्क है। और साथ साथ ये प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, ये 70 रियाल इसकी प्राइस है, ये इसकी 130 रियाल प्राइस है जो यहाँ पे है। इसी तरह ये जो आर्ट वर्क है इसकी 200 रियाल। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि ऊँट पीछे ऊँट वाले उसकी स्किन की सिर्फ बालों की तस्वीर है, यहाँ पर ऊँट के जो दो कलर होते हैं इस पेंटिंग में दोनों मेंशन है। अच्छा, ये देखें जी, ऊँट के ऊपर जो उसके ऊपर बैठने के लिए कपड़ा सा डाला जाता है, वो उस कपड़े की तस्वीर बनाई हुई है बाकायदा, वो डोरी वगैरह उसका कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर पेंटिंग। अच्छा, इसमें जो खूबसूरत चीज़ है, इतनी बड़ी तस्वीर में खाली आसमान, रेगिस्तान और यहाँ पर खड़ा हुआ एक ऊँट, हाई अट्रैक्टिव पिक्चर लग रही है ये देखें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कुशन टाइप लग रही है देखने में, और ये भी बकायदा पेंटिंग, हैंडमेड पेंटिंग है, और इसके ऊपर वो कढ़ाई की मदद से, मोती सितारे की मदद से और धागे की मदद से ये जो है ना पेंटिंग बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर ये पेंटिंग लगी है, मेरी तो समझ से बाहर है ये पेंटिंग। मेरे भाई बात सुने, तो ज़रा पेंटिंग के शौक रखने वाले, ये क्या है, मुझे तो इतनी कोई खास नहीं इसकी समझ। ये पहले यहाँ पे ना मदीना में होती थी हज्जा होती थी ना, ये जो सामान बेचते हैं ना, ये देखो ना, ये समझ के यहाँ टोपियाँ पड़ी हैं और ये चिप्स के पैकेट पड़े हैं और ये जूस होता है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये बेचने वाली बनी है। वो देखो ख़रीदने आई है, उसके हाथ में रियाल का नोट है, ये देखो पुराना रियाल करीब से दिखा, ठीक है ना। और ये देखें, और ये सारी फ्रेम मुझे बहुत प्यारी लगी, ये जो बबल होती थी ना, ये तो सारे बबल के कवर है, जैसे डिंगडोंग बबल होती है, ये देखें उसकी ये इन्होंने बनाई। तो भाई हम यहाँ पे इस टाइम हॉल के अंदर से बाहर आ गए हैं, आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं। बकायदा यहाँ पर वो सामने जो जगह है वहाँ पर बकायदा मिट्टी दी जाती है, उसके साथ जो जो लोग जो चीज़ बना सकते हैं उनको बनाया जाता है, और कैमरा मैन बकायदा यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो ये सामने वाली साइड पर देखें, वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे साथ उमर भाई मौजूद है। बलवान देखी था पकानो النخل اجن النخل زاد اللي هي نخل الشمسي وشوي كان يربطون على حبال وزي كذا ويسوي جدر او لوح او زي كذا حق تقديم اصحن وزي كذا। तो इस टाइम मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे यहां पर जो है पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, वो सामने आप देख रहे हैं, वो सामने एक करैक्टर मतलब लड़की की सूरत में वहाँ पर करैक्टर है, जिसको देखते हुए सारे यहाँ पर पेंटिंग बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन जो है वो सबसे अच्छी ज़रा पेंटिंग बना रहा है, तो चले आए। मुझे नहीं आइडिया था अब तक कि मतलब सऊदीया में भी इन लोगों को पेंटिंग का इतना क्रेज है। मैंने यहाँ पर देखा है भाई, एक से एक बढ़कर इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। अभी कुछ लोगों से हमने कहा है, इंशाल्लाह वो जो फाइनल कर लेंगे पेंटिंग हमसे शेयर करेंगे, हम अपनी वीडियो में पूरा आपको दिखाने की ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। आधा घंटा कम लगी ज़्यादा तकरीबन, मैंने इनसे पूछा ये कितने टाइम के अंदर इन्होंने बनाई है, तो ये कह रहे हैं एक घंटे के अंदर इन्होंने इसको बनाया तकरीबन। खलस साकम खलस तकरीबन एक डेढ़ घंटे के अंदर इसको जो है ना ये कंप्लीट कर लेंगे। सो जितना इन्होंने प्रोफेशनल काम किया, तो इनसे पूछना तो बनता है कि भाई कितना टाइम हो गया इनको ये काम करते हैं। कम सना शुगल था आशर सनावाद, तो इनका कहना है कि इनको 10 साल हो गए पेंटिंग बनाते हुए, जारी सी बात है 10 साल का एक्सपीरियंस। और इनसे मैंने ये भी पूछा कि ये आप बाय प्रोफेशन कोई अपना पैसे के लिए काम करते हैं या अपनी मोहब्बत से, दिल की लगन से, तो इनका कहना है ये मेरा मोहब्बत का काम है, कि मैं अपनी दिल और मेरा प्रोफेशन भी यही है, मैं इसी के अंदर दिल लगा के काम करता हूँ और पैसों के लिए काम नहीं करता, तभी ये काम इतना प्रोफेशनल है। यहाँ पर सब जो है ना मिट्टी की मदद से कुछ ना कुछ बना रहा है, कोई कप बना रहा है, कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर बनाया था वो वीडियो के अंदर आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पीछे
पीछे जो है ना इसमें हम खाने पीने के जो स्टॉल्स लगे हैं वो देख रहे हैं, और मैंने तकरीबन कोशिश की है जितना भी ये अंदर का एरिया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ये मदीना मुनव्वरा के अंदर मदीना आर्ट्स सेंटर फेस्टिवल जो चल रहा था उसको दिखाया आज, इसकी यहाँ पर लास्ट नाइट और ये ख़त्म हो रहा है। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।